नेतन्याहू ने जला दिया 1000 रॉकेट का गोदाम। हिजबुल्ला युद्ध मुख्यालय में बारूदी सुनामी आई। इसराइल में दिखा नसरल्ला का चिकन हंटर गेटअप। नसरल्ला से जो ना हो पाया वो करेगा खामनेई का मुक्तदा। जैसे वेस्ट बैंक जल रहा है, जैसे जेनिन दहल रहा है, जैसी मार रफा क्रॉसिंग में है, जितने विनाशकारी हमले तुलक्रम में हो रहे हैं, वैसा ही बारूदी बवंडर बीती रात लेबनान में उठा। इसराइल के उत्तरी बॉर्डर के करीब अचानक जंगी जेटों से आग बरसने लगी, बारूदी धमाके होने लगे। एक के बाद एक इसराइल ने आसमानी जंगी बेड़ा ही फ्रंट पर उतार दिया। इसराइल के हमले से जितना बारूदी जलजला उठा उससे कहीं ज्यादा विस्फोटक दृश्य हिजबुल्ला के रॉकेट गोदाम में दिखा। वजह हथियार गोदाम में रखे गोला बारूद में लगी भयानक आग थी। इसराइल ने यह बदला किरियात शमोना में हिजबुल्ला के 75 रॉकेट धमाकों के लिए लिया है। हिजबुल्ला लड़ाकों ने एक घंटे में 75 रॉकेट से IDF के बेस को दहलाया था, जिसके जवाब में इसराइल ने जंगी जेट से बम बरसाकर और रॉकेट की बौछार कर हिजबुल्ला का बारूदी कारखाना खाक में मिला दिया। नेतन्याहू आर्मी से मिले जोरदार झटके के बाद हिजबुल्ला फाइटर्स ने दूसरे फ्रंट पर रॉकेट तान दिए हैं। ईरान समर्थक अल मायदीन मीडिया के मुताबिक 4 सितंबर के बाद हिजबुल्ला लड़ाकों ने वॉर प्लान बदल लिया है। हिजबुल्ला लड़ाकों के टारगेट पर किबुत्स नियोत, किरियात शिमोना और हुला वैली है। अब तक गोलान हाइट्स पर पूरा जोर लगा रहे हिजबुल्ला ने हमले का दायरा बड़ा किया है। हाल ही में हिजबुल्ला ने 8,600 से ज्यादा रॉकेट हमले किए हैं। जुलाई के अंत में कुल 7,500 रॉकेट हमले किए गए। वहीं हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक की धार अगस्त महीने में सबसे तेज थी। अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक हिजबुल्ला ने सिर्फ 2,000 रॉकेट दागे थे, जबकि अगस्त 2024 तक रॉकेट हमले की गिनती 8,000 के पार पहुंच चुकी है। रॉकेट अटैक के साथ अब हिजबुल्ला फाइटर ईरान से मिले ड्रोन का भी जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं।